हेलो जी, कैसे हैं आप? आज मैं वीडियो डाल रही हूँ अपनी सुबह से 4 बजे तक की। और मेरी वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ शेयर करना, और मेरे चैनल को कमेंट, मेरी उसको कमेंट करना वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। देखिए, बच्चा घूम रहा है, ये परेशान करता है, डर लगता है कहीं इधर उधर ना हो जाए। आज इसकी मम्मी गई है, जरा बेटी के साथ लगा ली, देख लो चोट, देखो चोट मार ली, सिर फूट गया। हाँ देखो, रोने लगा, बड़ा दुखी करता है ये, अकेले परेशान। आ जाओ आ जाओ, तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट प्लीज़। आप लोग भूल जाते हैं, मैं बार बार आपसे कहती हूँ, इसलिए प्लीज़ कर देना, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको एक अपनी अच्छी वीडियो के साथ। बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। और आज बना रही हूँ मैं जवे जवे बना रही हूँ। ये नाश्ते में सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 8:30। नहाना धोना हो गया, साफ सफाई सब हो गई, मैं जवे भून लेती हूँ। ये जवे मैंने तुड़वाए थे, तुड़वाई पे तोड़ मैं भी लेती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता। तुड़वाए थे ये जवे मैंने 100 रुपए किलो, तो 4 किलो जवे तुड़वाए थे, कुछ अभी रखे हैं। और ये जवे भून लेती हूँ, भून के दोस्तों, मैंने जवे भून लिए हैं। अब मैं जवों को छोंक रही हूँ, तो मैं छोंकूंगी देसी घी से। जैसे आपको पता है, नाश्ता देसी घी में बनता है, तो मैं ये डाल रही हूँ देसी घी। और बस इसमें जो है प्याज डालूंगी। देखिए, प्याज डाल दिए मैंने, ये प्याज कटी हुई रखी थी और काट के रख दी थी, मतलब रखी रखी इन द सेंस ये नहीं कि 2-3 दिन की रखी थी, अभी काटी है मैंने, अभी प्याज काट के। और बस जवे भून लेती हूँ। सुबह का नाश्ते की बड़ी, नाश्ते की क्या, खाने की भी यही टेंशन रहती है, क्या बनाना है, क्या खाना है, क्या नाश्ता बनेगा, क्या करेंगे, बस रोज की टेंशन रहती है कि क्या बनाना है। इधर मेरी चाय बन रही है तो मैं अदरक कूट लेती हूँ, और सर्दियों में तो अदरक की चाय का ही मज़ा है। बस ये अदरक डाल देती हूँ कूट के। रोज 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 क्या बनाओ क्या खाओ, ये बड़ी परेशानी है। और बस थोड़े दिन की बात है, बेटी की शादी हो जाएगी, अकेली रह जाऊंगी मैं। बेटा बहू तो ऊपर रहते हैं, अपना अलग बनाते हैं, खाते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं कि अलग ही बनाते हैं, तीज त्यौहार हम सब साथ में करते हैं। और ऐसा भी नहीं, कुछ अच्छा बनता है तो ऊपर से आ जाता है, कभी ऐसा होता है हम थके हुए आते हैं तो ऊपर नीचे ही बना देती हैं वो, और वो होते हैं अकेले, मतलब कोई परेशानी होती है तो नीचे खा लेते हैं, कोई त्यौहार होता है तो नीचे खा लेते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं। लेकिन हाँ, वैसे अलग है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उनके ऊपर कि मेरे लिए बनाना ही है या घर का करना ही है, वो उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है, इसलिए हमने फ्री कर रखा है। क्योंकि देखिए, साथ में मैं हूँ जॉब वाली, है ना, कल को लड़की भी चली जाएगी, फाउंडेशन नहीं कि मम्मी आ रही है खाना बनाना है, या मुझे सुबह 7 बजे उठना है या 8 बजे उठना है,
जब चाहे जब उठो, देखो स्कूल जाने लगेगा बच्चा अपने आप सुबह उठेंगे, यही थोड़े से दिन होते हैं अपने आराम के, आराम करो। तो हम कुछ नहीं कहते है ना, तो अब मैं अकेली रह जाऊंगी तो कुछ भी बना लो, कुछ भी खा लो। अभी तो ये है कुछ बनाऊँ तो वो बच्ची कह देती है मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊँगी, तो उसके हिसाब से बनता है। तो बस यही है जब तक वो है, जब तक कि वो है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, फिर तो कुछ भी बनाओ कुछ भी खाओ। और मुझे तो नहीं लगता, ऊपर से आ जाया करेगा बन के, ज़रा लेट उठते हैं वो लोग और ये वो कुछ नहीं, नाश्ता तो मेरा 9 बजे तक हो जाता है। तो बस ठीक है, मैंने जब उसके लिए सब डाल के, प्याज डाल के, हल्दी मिर्ची धनिया सब डाल के मैंने छोंक दिया है, इधर मैंने पानी डाल दिया है। और ये छोटा बच्चा मुझे तो परेशान कर रहा है, मेरे बाल खींच रहा है और कह रहा है मुझे अपने बालों में से क्लिप निकाल के दे, बहुत नालायक बच्चा है ये, समझे। वो लोग बाज़ार चले गए हैं और बाज़ार में थोड़ी सी मेहंदी का उसे ट्रेंड लेना था, मेहंदी बुक करी है उसने जहाँ, और उधर कार्ड छपने दिए हैं, कार्ड के लिए जो हमने लिख के दिया था तो वो कह रहे थे एक बार हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। मुझे बासी रोटी बहुत, और आप भी कर लीजिए, आप भी कर लीजिए नाश्ता, रेडी हो गए हैं देखिए गरम गरम, अच्छे लगते हैं। सुबह को अचार से खाओ, आम के अचार से बहुत अच्छे लगते हैं मुझे तो। और आइए नाश्ता कर लीजिए, गरम गरम जबों का 2 प्लेट में निकालूंगी मैं। और ये बस जनवरी फरवरी तक अच्छे लगते हैं, फिर मार्च होली आती है उसके बाद से ये फिर अच्छे नहीं लगते, इनका टेस्ट चेंज हो जाता है। और मुझे हाथ के टूटे हुए ही पसंद है, बाज़ार के मुझे पसंद नहीं है, तो ये मैंने हाथ के तुड़वाए थे। और अगले साल भी सोचूंगी, देखूंगी, ढूंढूंगी किसी को, तुड़वाती हूँ। हाँ जी, अब हो गया है दोपहर का टाइम, 1:30 बज गया है और हम बना रहे हैं लंच। तो लंच में हम कुछ ऐसा खास नहीं बना रहे, इसमें बना रहे हैं हम बरी, सोयाबीन की बरी, आलू टमाटर और रोटी। बहुत दिनों से बरी को मन कर रहा था, और एक्चुअली क्या है कि नसों पे नसें चढ़ने लगी थी, बताया हमें किसी ने कि नसों पे नसें जब अंगड़ाई लेते हुए या वैसे चढ़ने लगे तो सोयाबीन की बरी बहुत फ़ायदा करती है। तो मैंने सोचा मैं आज सोयाबीन की बरी बना लेती हूँ, तो मैं बना रही हूँ सोयाबीन की बरी। और बस देखिए कितनी टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और ये डाल दिया है मैंने इसमें रिफाइंड, और रिफाइंड डालने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी कटी हुई जो रखी है प्याज। हाथ पोछे, ये मुझे आदत है, पता नहीं क्या मेरी बहुत ही बुरी आदत है, सनक है मुझे, समझ में नहीं आता। अब डाल दूँगी प्याज, देखिए कटी हुई प्याज रखी है, इसमें थोड़ा सा अदरक रखा है कटा हुआ, ये मैं अदरक और प्याज डाल दूँगी। और डालने के बाद इसे मैं थोड़ा सा चला लूँगी, हल्की सी प्याज जब फूल जाएगी तो मैं इसमें देखिए आगे क्या करती हूँ। तो ये प्याज फूल रही है, बस आज कुछ मन नहीं कर रहा है ऐसा, चावल खाने को मन नहीं था आज। बेटी के सिर में दर्द हो रहा है सुबह से, क्योंकि अभी हमने कंबल वगैरह नहीं निकाले हैं ओढ़ने के लिए, हल्की चादर ही ओढ़ते हैं, तो वो आज सुबह कह रही मेरे आज सुबह से सिर में दर्द है, तो इसलिए मैंने चावल नहीं बनाया। उधर उसने सिर भी धोया है, तो सिर में भी दर्द है, सिर धोया है, तो मैंने कहा मैं भी नहीं बनाती हूँ चावल और मुझे भी सिर धोना है, तो मैंने कहा चावल नहीं बना रहे हैं आज, चावल अवॉइड कर देते हैं, सब्जी रोटी बना लेते हैं खाली। तो क्योंकि दाल रोटी बनाओ तो दाल रोटी के साथ एक सब्जी ज़रूरत पड़ती है, सब्जी ज़रूर बनाओ तब दाल के साथ रोटी अच्छी लगती है। तो फिर मैंने कहा अवॉइड करो छोड़ो, आज बड़ी आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। बड़ियाँ थी भी नहीं तो मैंने एक छोटा पैकेट बड़ी का मंगाया, और आलू काट लिए और टमाटर, बस ये इस पर सोच रही हूँ, कैमरा रख के देखती हूँ सही से आ जाए, कुकर के अंदर तक का आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं आ रहा कुकर के अंदर का फिर भी। और मैं और आने लगी साहब, मुझे अपने लिए टमाटर डाल दिया मैंने, और टमाटर डाल के मैं क्या करूँगी, टमाटर डाल के नमक डाल देंगे तो टमाटर जल्दी गल जाते हैं, तो मैं ये नमक डाल देती हूँ, और फिर मैं थोड़ा सा कुकर का ढक्कन लगा देती हूँ, हल्का सा ऊपर से रख देती हूँ, तो एक थोड़ा सा टमाटर गल जाएंगे। तो मुझे सही नहीं लग रहा कैमरा,
ये इधर रखा हुआ, फिर मैं ऐसे नीचे रखती हूँ, देखो रख के देखती हूँ कैसे भी दोबारा सेट कर रही हूँ इसे कैमरे को। अब देखो आ तो सही रहा था लेकिन कुकर के अंदर का नहीं आ रहा था। टमाटर देख लो गल गए बिल्कुल, नमक से बहुत जल्दी गल जाते हैं। टमाटर गल गए, मैं चम्मच मार रही हूँ टमाटरों में और मसाला पीस के सोच रही थी पहले मैं, ये हल्दी मिर्ची को, हल्दी मिर्ची कह रही प्याज टमाटर ये सब पीस लूँ, अदरक वगैरह, फिर मैंने कहा नहीं बनाई देती हूँ। कपड़े मशीन लगाई ना, कपड़े बहुत धोए हैं तो इस वजह से थोड़ा वो हो गया, थक गया सर, हाथ थक रहे हैं, शरीर थक सा रहा है। तो ये हल्दी मिर्ची धनिया डाल देती हूँ और मैं धनिया लेने चली गई हूँ, पता क्या लेने गई हूँ, कुछ लेने गई हूँ फ्रिज में से, हाँ मैं लेने गई हूँ मिर्चे, मिर्चे ख़त्म हो गई थी मसालेदान में कुटी हुई, जो चिली फ्लिक्स होती हैं वो ख़त्म हो गई थी तो वो निकाली है मैंने मसालेदान में, और बस ये डाल लेती हूँ। घर की कुटी हुई होती है मेरी, घर ही तैयार करती हूँ मसाला पूरा, धनिया भी गरम मसाला भी, हल्दी बस पिसवाती हूँ। और डाल दी मैंने आलू बड़ी और क्या कह रहे, बच्चा घूम रहा है गिर गया उसे उठाया है, तो बस बड़ी आलू डाल दिए मैंने, टमाटर मैंने पहले भून लिए थे और इसे चला के पानी डाल के, और मैं ये कुकर बंद कर दूँगी, जग में से पानी डाल देती हूँ इसमें, और बस ये पानी मैं डाल दूँगी, पानी कम लग रहा है थोड़ा अभी और पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि बड़ी है ना पानी पी जाती हैं, सोयाबीन की बड़ी चाहे कितनी भिगो के रख लो फिर भी पानी पी जाती हैं, तो बस इसमें गर्म मसाला ऊपर से और डाल दूँगी मैं, और जब बन जाएंगे तो हरा धनिया डाल दूँगी। बस हरा धनिया की तो मौज है सर्दियों में, गर्मी में थोड़ा 10 रुपये का ज़रा सा देते हैं, लेकिन खाते भैया हम गर्मियों में भी कुछ कुछ चीज़ों में, जैसे आलू टमाटर है, अरहर की दाल है, कुछ चीज़ों में हरा धनिया अच्छा ही लगता है जब भी बनाते हैं, और जैसे हम पोहा बनाते हैं उसमें हरा धनिया ज़रूर डालते हैं हम। तो बस ये मैं पोंछ लेती हूँ, और क्या हाल है आपको पूछ रही हूँ मैं इशारे से, ये मैं आटा लगा लेती हूँ, आटा निकाल के, आटा गूंद के रखा तो मैंने देखा कि अरे आटा तो पहले से सुबह गूंद दिया था शायद बेटी ने, गूंदा हुआ रखा था। बेटियों की तो बात ही अलग है, बाहर ही अलग होती है भाई, बेटियाँ चली जाती हैं तो ज़िंदगी सूनी हो जाती है। हाँ मेरा तो दिल ऐसा हो रहा है, मतलब दिल भर के आ रहा है, दिल जितने दिन करीब आते जा रहे हैं मेरा ऐसा लग रहा है मेरा दिल निकल के जा रहा है। कहीं बाहर होती थी एकदम बुला लेती थी उसे, अब तो नहीं बुला पाऊंगी। ये खा लीजिए खाना, खाना तैयार है दोपहर का, सिंपल सा फुलका और सब्जी। आइए, और आज अब धो लिया है मैंने सिर, खाना वगैरह खा के, हाँ मैं जैसे कह रही थी आज मुझे सिर धोना है क्योंकि कल हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा बताएंगे आपको वीडियो में कहाँ जा रहे हैं, तो सिर धो लिया है मैंने, सूखने सिर सुखाने के लिए बाहर बैठ गई हूँ आके चबूतरे पे, उसी पे यहाँ पे बकरियाँ वगैरह आ जाती हैं, भैंसे वगैरह आ जाती हैं चुगने के लिए, जब
दोपहर के टाइम 2 बजे के बाद खाना वगैरह खा के फ्री हो गए, कपड़े भी उतार लाई हूँ मैं सारे धुले हुए, और मैंने कहा यहाँ कब से सुखा लेती हूँ, सिर बाल हैं थोड़े भारी इसलिए धूप में बैठ गई मैं।